मेडिसिन नेहा सिंह, डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट। आप सभी का डाइट जोन चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बाजरे के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप रोजाना अपनी डाइट में बाजरे का इस्तेमाल करते हैं तो आप तीन तरीके की मेजर बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको उन तीन बीमारियों के बारे में बताने जा रही हूँ और क्यों हमें बाजरा खाना चाहिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यदि आप एक कप पका हुआ बाजरा अपनी डाइट में रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आपको 8 ग्राम प्रोटीन इससे मिलता है और 2 ग्राम फाइबर इससे मिलता है। तो बाजरा प्रोटीन का और फाइबर का अच्छा सोर्स माना जाता है। यदि हम डाइट में बाजरे का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सकते हैं और फाइबर की भी। और यदि हम चावल, मक्के, गेहूं से बाजरे का कंपेयर करें तो बाजरे के पोषक तत्व ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, इसलिए हमें चावल और गेहूं से बाजरे को रिप्लेस करना चाहिए। यदि आप रोजाना नहीं ले सकते हैं तो आप अल्टरनेट डेज में बाजरे का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे उन तीन बीमारियों के बारे में जो बाजरा खाने से खत्म हो सकती है। नंबर 1, हार्ट हेल्थ। यदि हम डाइट में बाजरे का इस्तेमाल करते हैं तो हम हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बाजरे के अंदर अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम का काम होता है हमारी हार्ट की मसल्स को हेल्दी बनाए रखने का और हमारे ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल बनाए रखने का। और बाजरे में भी पोटेशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, इसलिए बाजरे को डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का अच्छा सोर्स है और मैग्नीशियम और पोटेशियम हमारे हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। नंबर 2, डाइजेस्टिव हेल्थ। बाजरा यदि हम डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को सही करने में मदद करता है। आजकल हर किसी के घर में 1 से 2 लोग कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की बीमारी से परेशान हैं, और ऐसे में यदि ये लोग बाजरे का इस्तेमाल करेंगे तो ये कॉन्स्टिपेशन को जड़ से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बाजरे में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है और फाइबर हमारे मोशन यानी कि हमारे स्टूल को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है, और यदि हमारा स्टूल सॉफ्ट रहेगा तो हम कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की परेशानी को खत्म कर सकते हैं। और यदि हम एक्सपर्ट की माने तो बाजरा हमारे बॉल मूवमेंट को भी सही करने में मदद करता है, इसलिए हमें बाजरे का इस्तेमाल करना चाहिए डाइट में। और यदि आप 1 से 2 महीने लगातार बाजरे को सेवन अपनी डाइट में करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या या फिर आपकी डाइजेशन की जो समस्या थी वो जड़ से खत्म हो चुकी है। नंबर 3, डायबिटिक हेल्थ। जी हाँ, बाजरा यदि आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। कैसे? क्योंकि बाजरा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में कंसिडर होता है, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड यदि हम डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को अचानक से नहीं बढ़ने देता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है तो ब्लड शुगर लेवल्स भी धीरे धीरे स्पाइक होते हैं, जिससे हमारे ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रहते हैं और हमारी डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। कई सारी रिसर्चेस शो कर चुकी हैं कि बाजरा यदि लगातार 1 महीने तक खाया जाए तो हम हमारी डायबिटीज यानी कि ब्लड शुगर बढ़ने की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो ये तीन बीमारियां बाजरा खाने से जड़ से खत्म हो सकती हैं यदि आप इसको प्रॉपरली 1 से 2 महीने अपनी डाइट में रोटी बनाकर, खिचड़ी बनाकर या अदर तरीके के व्यंजन बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो आप इन बीमारियों को काफ़ी हद तक सही कर सकते हैं, क्योंकि बाजरा बहुत गुणकारी होता है। जो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए इसके अलावा भी बाजरे में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर जैसी समस्याओं को भी कम करने में मदद करते हैं। तो आप सभी को अपनी डाइट में बाजरा जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि आप लोगों को लगता है कि बाजरा खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होता है तो ये आपका मिथ है। एक बार मेरे कहने से बाजरे की रोटी जरूर खाएं, क्योंकि बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और अदर डिशेस भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं। तो आज ही अपनी डाइट में बाजरे का इस्तेमाल करें और अपनी बीमारियों को जड़ से खत्म करें। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर।